नमस्कार। अब आज का टॉपिक क्या है? हम आपको बताएंगे कि जब हम किसी वायर को टच करते हैं तो कब हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और कब हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। दूसरा, कई लोगों ने यह प्रश्न पूछा है हमसे कि अनग्राउंडेड 120 वोल्ट डीसी हो, उसके एक पॉइंट को, प्लस को या माइनस को, हम छू लें तो क्या शॉक लगेगा और लगेगा तो कैसे। और तीसरा पॉइंट है, जो पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे, कि अगर हम जमीन पे चल रहे हैं और हमने किसी लाइन को छो भी नहीं रखा है, फिर भी हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप आज जरूर पूरा वीडियो देखिए। हम कई चीजें ऐसी बताएंगे जो शायद आप पहली बार सुन रहे हों, जिसकी नॉलेज शायद आपको पहली बार मिल रही हो। अब पहले हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। देखिए, ये एसी सप्लाई है या डीसी सप्लाई है, कोई भी हो, ये दो वायर जा रहे हैं और यहाँ पर कोई चिड़िया है या कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है। तो इनको शॉक लगने के लिए जरूरी है कि इनकी बॉडी से करंट बहे, और करंट बहने के लिए क्या चाहिए कि वोल्टेज का होना जरूरी है और सर्किट भी कंप्लीट हो। तो जब वोल्टेज होगा और करंट बहने के लिए सर्किट कंप्लीट होगा, तब शॉक लगता है। ऐसा नहीं है कि करंट ज़्यादा डेंजर है या वोल्टेज ज़्यादा डेंजर है, दोनों ही चाहिए, ठीक है। मगर कभी-कभी क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट ना हो, जैसे यहाँ पे हमने तोड़ दिया, तो भी शॉक लग जाता है। हम आपको ये भी बताएंगे। अभी हमने आपको बताया था कि शॉक तब लगता है जब बॉडी में करंट बहे और क्लोज सर्किट हो। यहाँ पे एसी सप्लाई दिखाई है, ये लाइन है, न्यूट्रल है, और सब स्टेशन पे जो न्यूट्रल होता है वो अर्थ से कनेक्ट होता है, और इस व्यक्ति ने हाथ से इस लाइव वायर को टच कर लिया और ये जमीन पे खड़ा है, तो करंट कैसे बहेगी? ऐसे हो गया ना सर्किट कंप्लीट। क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो इसकी बॉडी में करंट बहेगी और इसको शॉक लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल अर्थ से कनेक्ट नहीं है, तो हम ये कनेक्शन हटा देते हैं। हमने हटा दिया, अब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो इसकी बॉडी में करंट नहीं बहेगी, तो इसको शॉक नहीं लगना चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये जो लंबे लंबे तार हैं, इसके और अर्थ के बीच में कुछ कैपेसिटेंस होता है हमेशा, जिसको बोलते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस। ऐसे तो यहाँ पे तो कनेक्शन नहीं है, मगर इस कैपेसिटेंस की वजह से अगर ये एसी है तो करंट ऐसे बहेगी, ऐसे, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी बॉडी में कितनी करंट बहती है, ये इस पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, ये कोई फिक्स नहीं है, कम और ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। इसके और इसके बीच में डस्ट होगी, मॉइस्चर होगा, तमाम चीज़ें होंगी, तो कुछ लीकेज होगा, तो वो कितनी करंट है उस हिसाब से। तो अगर न्यूट्रल अर्थ से कनेक्ट नहीं है तो भी इसको शॉक लगने की संभावना है इस लीकेज की वजह से। ये फ्लोटिंग सिस्टम है, तो फ्लोटिंग सिस्टम को अगर आप छू लें तो कोई गारंटी नहीं कि आपको शॉक नहीं लगेगा, आपको फिर भी शॉक लग सकता है। अब यहाँ पर फिर हमने यहाँ एसी सप्लाई दिखाई है, सब स्टेशन में जो न्यूट्रल है अर्थ है, और ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, इसके इसके बीच में हमने एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगा दिया, तो ये लाइन हो गई और ये न्यूट्रल हो गया। इस वायर को हमने अर्थ से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग न्यूट्रल सिस्टम।
इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर इस व्यक्ति ने टच कर लिया और ये जमीन पे खड़ा है, तो आप देखिए सर्किट कंप्लीट होता है क्या? यहाँ तो ऐसे है, इसकी बॉडी से करंट बहनी है शॉक के लिए, यहाँ पर ये ओपन है तो इसको शॉक नहीं लगना चाहिए क्योंकि सर्किट ओपन है। मगर होता क्या है, ये जो अभी हमने बताया था कि इसके और इसके बीच में कुछ लीकेज हो सकता है, उसके अलावा इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, इसके और उसके बीच में कुछ इम्पीडेंस होगा, कुछ कैपेसिटेंस होगा, तो यहाँ से लीकेज होगा। उस लीकेज की वजह से, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, करंट ऐसे बहेगी। देखिए सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ से ऐसे गई और इसको शॉक लग सकता है। ये कंप्लीट इस वजह से हो रहा है कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कैपेसिटेंस और इम्पीडेंस दोनों होता है, पक्का नहीं होता कोई भी ट्रांसफार्मर। तो फ्लोटिंग सिस्टम में भी अगर लाइन वायर को टच किया जाए, खाली एक वायर को, तो भी शॉक लग सकता है इस लीकेज की वजह से, और दूसरा न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जो लीकेज होता है उसकी वजह से भी। अब यहाँ पे हमने एक बैटरी दिखाई है 120 वोल्ट की, ये बहुत सी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री में होती है, घरों में नहीं होती। तो ये प्लस है और ये माइनस है, और ये किसी व्यक्ति ने प्लस वाले तार को छू लिया और ये ज़मीन पे खड़ा है। अब इस ऋण या माइनस वाले वायर और अर्थ के बीच में मान लीजिए कोई लीकेज नहीं है, सब बढ़िया है, तो इसकी बॉडी में करंट बहेगी नहीं बहेगी? देखिए सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, यहाँ ओपन है, यहाँ हम लीकेज जीरो मान रहे हैं, तो है ना, तो इसको शॉक नहीं लगेगा। अब क्या होता है कि ये जो बैटरी है इसके ये वायर कई कमरों में जाते हैं, तो एक कमरे में ये व्यक्ति काम कर रहा है प्लस टर्मिनल पे, हम मान लीजिए किसी दूसरे कमरे में एक और व्यक्ति आ गया और उसने माइनस वाले टर्मिनल पे काम करना शुरू कर दिया या छू लिया, इसको नहीं पता, अब क्या होगा? ये देखिए सर्किट कंप्लीट हो गया ना, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, हो गया ना, इसको क्या पता दूसरे कमरे में काम हो रहा है कि नहीं। तो हर सिस्टम में आप देखिए इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना होती है, ये नहीं पक्का है कि हमें नहीं लगेगा, कनेक्शन पूरा नहीं हो रहा, ये तो ओपन है, ये फ्लोटिंग है, ऐसा नहीं होता, शॉक लगने की हमेशा संभावना होती है, इसलिए आप हमेशा सेफ्टी के नियमों का पालन करें। जिन लोगों ने हमसे ये प्रश्न पूछा था कि बैटरी छूने से शॉक लगेगा या नहीं लगेगा अगर ये ग्राउंड नहीं है, तो उनको इसका उत्तर मिल गया होगा। अब आगे जो हम दिखाएंगे आपको या बताएंगे वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। देखिए यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का सिर्फ एक वायर दिखाया है आर, बाकी दोनों नहीं दिखाए हैं जिससे इजी लगे समझने में, और ये अर्थ है, यहाँ पे एक टावर है जिससे आर फेस लगा हुआ है, और यहाँ पास में टावर हमने दूर दिखा दिया है, आप पास ही समझिए इसको, टावर के बहुत पास एक आदमी है जो चल रहा है या खड़ा है, ठीक है। अब इसकी बॉडी से करंट नहीं बह रही, ये तो लाइन वायर को छू नहीं रहा, काफी दूर है, तो इसको शॉक नहीं लगेगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए लाइटनिंग इम्पल्स आ जाए, बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ सर्ज प्रोटेक्टर वगैरह लगे होते हैं, ऐसे करंट बहने लगती है ऐसे।
अर्थ में करंट बह रही है, या फिर यहां पे और यहां पे, या इसके इसके बीच में कोई फॉल्ट आ जाए, ये शॉर्ट हो जाए, तो फॉल्ट आने पे भी बहुत ज्यादा करंट बहती है। तो दोनों केस में यहां पे बहुत हैवी करंट बहेगी। तो ये जो हैवी करंट होती है वो यहां से एंट्री करेगी ना, तो जमीन में तुरंत पूरी नहीं चली जाती, अगर इधर जाना है तो ऐसे जाना शुरू होगा। तो इस टावर के पास में जमीन की सतह में काफी करंट बहेगी, सतह में, अभी मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं। अब चूंकि अर्थ का रेजिस्टेंस भी होता है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इसके बीच में इस अर्थ का कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब चूंकि करंट बहुत ज्यादा बह रही है, तो कुछ करंट इससे जाएगी और थोड़ी बहुत करंट ऐसे बॉडी से भी चली जाएगी, और इस आदमी को शॉक लगेगा। ऐसा तब होगा जब ये जो हैवी करंट है उसका एक बड़ा हिस्सा अर्थ की सतह पर बहे, अंदर नहीं, तब ये प्रॉब्लम होगी। ये तब होता है जब ये व्यक्ति इस टावर के बहुत पास हो, दूर में प्रॉब्लम नहीं होती, दूर में करंट अंदर चली जाती है, बहुत पास होता है, किसको अंदर जाने के लिए ऐसे रास्ता चाहिए ना, ये थोड़ी यूं जाके यूं जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। तो जब कोई व्यक्ति टावर के पास खड़ा होता है तो उसकी संभावना होती है कि फॉल की कंडीशन में कुछ करंट उसकी बॉडी से ऐसे बहने लगे और उसको शॉक लगे। तो आप लोगों को टावर से हमेशा दूर होना चाहिए। अब जब यहां पे कोई हाई वोल्टेज सर्ज आती है, तब आप देखिए इसके और इसके बीच में काफी दूरी है, मगर कुछ ना कुछ कैप्शन जरूर होता है। तो मैं कैप्शन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा होगा लेकिन होगा। अब क्या होता है, ये जो कैपेसिटर है उसमें अगर लो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज तो करंट बहुत कम बहेगी, लेकिन अगर हाई फ्रिक्वेंसी की सर्ज आ गई तो हाई फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर का इम्पीडेंस कम हो जाता है और ज़्यादा करंट बहेगी, और वो करंट इसकी बॉडी से पास होगी। तो अगर किसी आप हाई वोल्टेज वायर के नीचे खड़े हैं और लाइटनिंग आ गई, जब बिजली चमकती है तब ये आती है अधिकतर, उस केस में भी खतरा है कि इस कैपेसिटेंस की वजह से इसका कुछ हिस्सा आपकी बॉडी से जाए और जो भी यहाँ खड़ा हो उसको नुकसान पहुँचे। तो आप लोग वायर के नीचे खड़े होने की कोशिश ना करें, खास तौर से तब जब बिजली वगैरह चमक रही हो। वैसे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगे रहते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से तो सावधानी बरतनी चाहिए ना। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।